और देखिए बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर, सीआरपीएफ स्कूल के पास विस्फोट की खबर। धमाके की सूचना को लेकर के जांच जारी है। आपको बताएं, दिल्ली पुलिस दमकल विभाग को विस्फोट की खबर मिली, फिलहाल जांच जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली पुलिस दमकल विभाग को सूचना मिली, सूचना विस्फोट की। कहां? दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास। अब इस लोकेशन पर जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस दमकल विभाग को सूचना मिली विस्फोट की, बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस दमकल विभाग को सूचना, विस्फोट दिल्ली के प्रशांत विहार में, धमाके की खबर। और इस पर ग्राउंड पर पहुंचकर जांच की जा रही है। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की खबर, इस सूचना को लेकर के जांच जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस दमकल विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वरुण हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ कनेक्ट है। वरुण, जरा बताएं क्या कुछ जानकारी। देखिए बिल्कुल, ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रशांत विहार इलाका है। यहाँ पर सीआरपीएफ स्कूल है और उसके ठीक सामने ये एक मार्केट है, वहां पर रामपुरी वाला है। इसी के बीच में ये संदिग्ध धमाका है, सुबह सुबह हुआ है। धमाका इतनी तेज था कि आसपास की कई गाड़ियां और जो ये मार्केट है इसमें कई दुकानों के जो शीशे है वो टूट गए। दुकानों के बाहर जो काउंटर पड़े थे इनके शीशे टूट गए। किस तरीके का धमाका है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बेहद संदिग्ध हालात बने हुए हैं। पुलिस दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और उसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया है। जो सीएफएसएल की टीम है उसको भी कॉल किया गया है और अभी वहां पर फिलहाल जांच चल रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो दुकानें हैं सामने ही उनको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। सुबह कुछ दुकानें जो छोले भटूरे की और इनकी खुल जाती है, उन सबको दोबारा से पुलिस की तरफ से बंद करा दिया गया है। और अभी फिलहाल जो आला अधिकारी हैं मौके पर हैं, जांच कर रहे हैं कि ये जो संदिग्ध धमाका हुआ है किस तरह का हुआ है। लेकिन इतना साफ है कि धमाका बेहद तेज था, बहुत दूर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी और इस धमाके के चलते कई गाड़ियां और आसपास की कई दुकानों के काउंटर के जो शीशे हैं वो टूट गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की जो जानकारी है वो पुलिस या दमकल विभाग की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से ये साफ किया गया है कि डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। और बीत चुका है वरुण, ये सब कुछ हुए देखिए करीब एक से डेढ़ घंटे का समय जो है इस धमाके को हुए बीत चुका है। यानी कि आप अंदाजा लगाए करीब अगर 8 बजे के आसपास। बिल्कुल वरुण, तस्वीरें आई हैं, जरा तस्वीरों को समझा दे पहले दर्शकों को। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के बाद जिस तरीके की हलचल है वो तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आप देखिए। किस तरीके से ये टूटी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं और जिसका जिक्र कर रहे थे वरुण हमारे सहयोगी, प्रशांत विहार में इस मार्केट में जब धमाका हुआ तो कैसे शटर और जो काउंटर के शीशे थे उसके पीछे वो भी टूटने की खबर मिल रही है। और जब ये धमाका सुना गया उसके बाद किस तरीके की हलचल रही वो आप देख सकते हैं। शटर बंद है, सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर दुकानें बंद है, लेकिन जो सामने इस सड़क पर बिखरा सामान है उससे अंदाजा लगाइए कि जिस धमाके की इंटेंसिटी क्या रही होगी, क्योंकि एक से डेढ़ घंटा बीत चुका है और लगातार अब यहां पर जांच करने की कोशिश। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस है, दमकल विभाग की टीम मौजूद है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है क्या कुछ वजह हो सकती है जिस वजह से यह धमाका हुआ। और धमाके की वजह से देखिए जो बोर्ड लगे होते हैं दुकानों के ऊपर और ये कुछ डिस्प्ले वाली शॉप्स होती है खाने पीने की चीजें, उनके शीशे टूटे हुए हैं और ये सब कुछ हुआ है धमाके की वजह से। दिल्ली के प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के पास विस्फोट की ये तस्वीरें, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। विस्फोट के बाद किस तरीके की कंडीशन ये आपके सामने है। यहां पर टूटे हुए कांच और ऐसे बोर्ड जिनमें शीशे थे वो भी चटके हुए हैं, उनके टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। यहां पुलिस की गश्ती है। सुबह के वक्त, अमूमन रविवार के वक्त लोग चहलकदमी के लिए, छोटा मोटा खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल इस लोकेशन पे पुलिस मौजूद है और यहां जांच की जा रही है।